हाँ फ्रेंड्स, तो सूरज आज हम आपसे बात करेंगे। ये जो स्पेस बार होता है, ये कीबोर्ड पे देखिए, ये जो कीबोर्ड पे स्पेस बार होता है, इसकी इतनी की बड़ी क्यों होती है? आप शायद लोग सोचते होंगे कि स्पेस बार इतना बड़ा ही क्या हो सकता है, और हमारे जो फोन में स्पेस बार होता है वो एकदम छोटा है। आप कई लोग सोच सकते हैं कि इसका ऐसा फॉर्म फैक्टर बना दिया गया है स्पेस को कवर करने के लिए, तो ये छोटा सा भी हो सकता है इसके, और कॉम्पैक्ट साइज को कर सकते थे हमने, क्योंकि आज सारे लोग छोटा से छोटा करने का प्रयास करें। लेकिन आप कितना भी इतने छोटा अगर कीबोर्ड लेंगे तो उसका ये जो स्पेस बार है ये काफी बड़ा ही होता है। तो चलिए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। हार्दिक सर, सूरज, आज हम आपसे बात करेंगे कीबोर्ड के स्पेस बार जो बड़े होते हैं उसके क्या कारण है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप कहीं पर भी प्रोफेशनल टाइपिंग की कोर्स किए हुए हैं तो वो लोग आपको बताते होंगे कि टाइपिंग के लिए ऐसे इस प्रकार से टाइपिंग ऐसे करनी चाहिए कि आपकी सारी अंगुलियां कीबोर्ड के सारे कीबोर्ड तक पहुंच सके। मतलब आपको ऐसी इन अंगुलियों को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे कि ये सारी अंगुलियां पहुंच जाए। तो ये हमारे जो दोनों अंगूठे आते हैं ये स्पेस बार पर रखने चाहिए, तो हम जिसकी वजह से हम दोनों अंगूठों से स्पेस बार पर रख सकते हैं, और जब चाहे इससे कट 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 दोनों से इससे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, और इससे दोनों साइड कीस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए स्पेस बार को थोड़ा बड़ा किया गया, क्योंकि बड़ा करने से दोनों अंगूठे हमारे उस पर थम्स रहते हैं, उससे हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसे नहीं आते थे। पहले ये जो कीबोर्ड है, क्वालिटी कीबोर्ड है, ये टाइपिंग की जो मशीन आती है उससे लिया गया है। तो पहले जब एबीसीडी नॉर्मली लिखा था, लेकिन एबीसीडी नॉर्मली लिखने की वजह से लोग काफी स्पीड टाइप करते थे, स्पीड टाइप करने से मशीन फंसने लगती थी, उसमें समस्या आती है। तो इस समस्या का निदान के लिए एक क्वार्टी नाम के आदमी थे, वो इस कीबोर्ड को ऐसे ऐसे अरेंज किए, तो वो अपने नाम पर ही इस कीबोर्ड का नाम क्वार्टी रख दिए। तो उन्होंने जब किया था तो वो उस टाइम से ही ऐसा कर दिए, और ऐसा ही कर दिए, तो आज तक ऐसा ही पड़ा ही हुआ है, और नंबर्स को जैसे वो अरेंज करके चले गए वैसे आज भी अरेंज है। और ऐसे ज्यादा स्पीड लोग नहीं टाइप कर पाते ऐसे कहने के बाद, क्योंकि जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है, जो रोज काम करते हैं, वो लोग काफी स्पीड क्वार्टी में भी टाइप कर लेते हैं। लेकिन आपको अगर इस जवाब की जानकारी नहीं थी तो आज आपने जान लिया कि इसका बड़ा होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके दोनों थम्स के रीच के लिए होता है, क्योंकि आप अगर ऐसे प्रोफेशनल टाइपिंग के क्लासेस लिए हैं, कहीं से कोर्स किए, तो आपको ये ऐसी बातें मालूम होगी कि वो कौन सी अंगुलियों को कहाँ रखा जाता है। क्योंकि अगर आप अंगुलियों को ऐसे 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 उठा उठा के उठाओ, जैसे ये कीबोर्ड है, इस पर आप ऐसे अंगुलियों को ऐसे 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 करके उठा उठा के करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप ये अंगुलियां ऐसे रीच में है, सारे कीबोर्ड को आप पकड़े हुए हैं, एक अपने अंगुलियों के कब्जे में, तो आप ज्यादा तेज और आसानी से टाइप कर सकते हैं। बस यही बात थी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आपको हमारे इस काम की जानकारी अगर किसी लायक लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।